नमस्कार मैं हूं डॉक्टर चंद्रदेव यादव मैं पिछले 22 वर्षों से साहित्य और पत्रकारिता का अध्यापन और उससे संबंधित लेखन कर रहा हूँ इस समय मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ आज हम भारतेंदु की हिंदी के संबंध में विचार करेंगे इस प्रकरण में आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी वे हैं खड़ी बोली हिंदी का विकास भारतेंदु युगीन हिंदी का स्वरूप भारतेंदु की हिंदी कविता की भाषा नाटक की भाषा निबंध की भाषा और आत्मकथा और पत्रकारिता की भाषा आइए हम खड़ी बोली हिंदी के विकास के बारे में विचार करते हैं खड़ी बोली हिंदी का विकास सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अमीर खुसरो की रचनाओं में दिखाई देता है एक लंबे समय बाद राम प्रसाद निरंजनी ने 1741 सौ ईस्वी में भाषा योग वाशिष्ठ की रचना की फिर पंडित दौलत राम ने 1761 सौ ईस्वी में हरिषेणाचार्यकृत जैन पद्म पुराण का खड़ी बोली में अनुवाद किया इसकी भाषा योग वाशिष्ठ की तरह साफ सुथरी और परिमार्जित नहीं है सन 1800 सौ ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ ही इसमें योजनाबद्ध ढंग से गद्य लेखन शुरू हुआ 1803 सौ ईस्वी में खड़ी बोली शब्द का पहला प्रयोग इसी कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट ने भी इसका प्रयोग किया आधुनिक युग में खड़ी बोली हिंदी हमारी आशाओं आकांक्षाओं से जुड़ गई और धीरे धीरे सांस्कृतिक एकता का आधार बन गई उन्नीसवीं शताब्दी में यह कविता की भाषा न बनकर गद्य की भाषा बनी अमीर खुसरों ने भी इसे कविता के लिए ही इस्तेमाल किया था पहले के लेखकों ने कौरवी या बांगरू का संस्कार करके खड़ी बोली का प्रयोग किया था उन्नीसवीं शताब्दी में इसका और संस्कार परिष्कार किया गया इस तरह खड़ी बोली हमारी अस्मिता से जुड़ गई और खड़ी बोली हिंदी गद्य आधुनिक और वैज्ञानिक चेतना का संवाहक बन गया उन्नीसवीं शताब्दी में खड़ी बोली के दो रूप सामने आए एक में संस्कृत के शब्दों की बहुलता थी तो दूसरे में अरबी फारसी के शब्दों की भरमार थी इसके पहले रूप को हिंदी कहा गया और दूसरे को उर्दू एक तीसरा रूप भी था हिंदुस्तानी लेकिन यह हिंदुस्तानी फोर्ट विलियम कॉलेज वाली नहीं बल्कि जॉन गिलक्रिस्ट वाली हिंदुस्तानी थी वह एक तरह से उर्दू ही थी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देवकीनंदन खत्री ने जिस हिंदुस्तानी का प्रयोग चंद्रकांता में किया उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक हिंदी मानने से इनकार कर दिया बहरहाल भारतेंदु आदि के द्वारा परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी गद्य नवजागरण कालीन सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक समस्याओं को व्यक्त करने में सफल रहा लल्लू लाल सदल मिश्र इंशाला खां और सदा सुखलाल ने हिंदी गद्य के अलग अलग नमूने पेश किए थे खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है आगे चलकर खड़ी बोली हिंदी को लेकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह में विवाद हो गया शिव प्रसाद सितारे हिंद देवनागरी लिपि को पसंद करते थे किंतु वे हिंदी को उर्दू बना देना चाहते थे शुक्ल जी ने उनकी उर्दू पंथे मुक्त हिंदी को चलती सरल हिंदी कहा है दरअसल सितारे हिंद राजनीतिक कारणों से उर्दू की ओर झुके थे अन्यथा भूगोल हस्तामलक और राजा भोज का सपना कि हिंदी कहीं से भी उर्दू की ओर झुकी हुई नहीं लगती दूसरी तरफ राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे अरबी फारसी के शब्दों से रहित और संस्कृत निष्ठ होने के बावजूद उनकी भाषा जनता के अधिक निकट हैं वे शुद्ध हिंदी के हिमायती थे उन्होंने गवाह कलेक्टर और अदालत जैसे लोक प्रचलित शब्दों को भी हिंदी से अलग रखा रघुवंश के विज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग बोलियां हैं हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान एवं फारसी पढ़े लिखे हिंदू उस समय हिंदी उर्दू के विवाद में अनेक विद्वान और लेखक शामिल थे अब हम भारतेंद्र युगिन हिंदी के स्वरूप पर बात करते हैं भारतेंदु युगिन हिंदी का स्वरूप 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी गद्य स्थिर नहीं था उसमें अनेक रूपता थी उसमें भाखापन भी था और उर्दूपन भी लल्लू लाल की भाषा ब्रजरंजित थी तो सदा सुखलाल की संस्कृत निष्ठ इंशाला खां की भाषा चटकीली मटकीली और मुहावरेदार थी तो सदल मिश्र की व्यवहारोपयोगी शिवप्रसाद सितारे हिंद ने प्रारंभ में सरल भाषा लिखी लेकिन बाद में उर्दू की ओर झुक गए राजा लक्ष्मण सिंह अत्यंत शुद्ध भारतीय शैली का प्रचार करना चाहते थे जिसमें ब्रजभाषापन के लिए तो स्थान था परंतु अरबी फारसीपन के लिए नहीं उन्नीसवीं शताब्दी खड़ी बोली हिंदी के विकास की शताब्दी थी इसलिए उस समय अनेक रूपात्मक खड़ी बोली के बीच से एक स्वस्थ और सहज रूप का विकास और संस्कार एक बड़ी चुनौती थी उस दौर की भाषा में कारक चिह्नों और विभक्तियों के साथ सर्वनाम शब्दों के रूप स्थिर नहीं थे उस समय मे को मैं और से को स लिखा जाता था इससे उससे इनका उनका इसमें उसमें जिन से आदि के स्थान पर इससे उससे इनका उनका इसमें उसमें जिन से का प्रयोग किया जाता था शब्दों की वर्तनी भी अशुद्ध थी जैसे सुपेदी यानि सफ़ेदी अल्हण यानी अल्हण दहना यानी दाहिना उस्ताद यानी उस्ताद नौकर यानी नौकर भाप यानी भाप सब्जी यानी सब्जी आदि इसी तरह उसमें शब्दों के आंचलिक रूप भी कम नहीं थे जैसे उल्ली गढ़ा आसकत नून यानी नमक सूहे यानी सीधे इखट्टा सियानी आलकस चीनना यानी चिन्हना छुटप्पन दुरानियों यानी देवरानियों आदि उन्नीसवीं शताब्दी के लेखकों ने अरबी फारसी के बहुत सारे शब्दों को उनकी मूल ध्वनि के अनुरूप लिखा है जैसे मदरसा, उहदह कारिंदह आतशबाज़ी धोखा आदि यह उस समय की खड़ी बोली का सामान्य रूप था उसके शब्द रूप और वाक्य संरचना में भी अनेक रूपता थी प्रायः सभी लेखकों की भाषा के अलग अलग रंग थे बालकृष्ण भट्ट मिश्रित भाषा के कायल थे लिखा बहुत से लोगों का मत है कि हम लिखने पढ़ने की भाषा से यावनिक शब्दों को बीन बीन कर अलग करते रहें कलकत्ता और बंबई के कुछ पत्र ऐसा करने का यत्न भी कर रहे हैं किंतु ऐसा करने से हमारी हिंदी बढ़ेगी नहीं वरन दिन दिन संकुचित हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की भाषा अधिक चलती हुई है बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन अरबी फारसी या अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे फिर भी उनकी भाषा में कलात्मकता है बाल मुकुंद गुप्त हिंदी उर्दू मिश्रित चुटीली भाषा लिखने में माहिर थे जबकि ठाकुर जगनमोहन सिंह काव्यात्मक भाषा के हिमायती थे अंत आनुप्रासिकता की प्रवृत्ति उनमें अधिक थी इसीलिए भारतेंदु ने अपने समय में प्रचलित अनेक रूपात्मक भाषा के बीच से एक हसमुख गद्य का विकास किया भारतेंदु ने अठारह सौ ईस्वी में कालचक्र तैयार करते समय हरिश्चंद्र मैगजीन की परिष्कृत हिंदी को भी एक घटना माना था जिसके बारे में शुक्ल जी ने लिखा कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है भारतेंद्र ने लिखा था हिंदी नई चाल में ढली अठारह सौ ईस्वी लेकिन रामलाल शर्मा के अनुसार 1873 में हिंदी नई चाल में नहीं ढली यह कार्य इसे बहुत पहले संपन्न हो चुका था अठारह के आसपास राजा शिवप्रसाद जैसी हिंदी लिख रहे थे उसी को भारतिंद ने अपनाया था स्वयं भारतंद ने राजा शिव प्रसाद की हिंदी की तारीफ की थी क्या कहें वैसी लच्छेदार इबारत कोई लिख नहीं सकता सचमुच उनके कलम में जादू का असर है विजय शंकर मल्ले ने ठीक ही लिखा है कि अनुरंजकता और गद्य की हसमुख प्रवृत्ति वे गुण हैं जो न तो राजा शिवप्रसाद के यहां हैं और न ही राजा लक्ष्मण के यहां भारतेंदु द्वारा परिष्कृत उस दौर की हिंदी को शुक्ल जी ने हरिश्चंद्री हिंदी कहा था अब हम भारतेंदु की हिंदी पर विचार करेंगे भारतेंदु की हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र विलक्षण प्रतिभा संबंध साहित्यकार थे वे हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे सामाजिक सांस्कृतिक और जातीय उत्थान के लिए उन्होंने न केवल कविताएं, नाटक और निबंध लिखे बल्कि स्त्रियों को जागरूक करने के लिए बालाबोधिनी नामक पत्र भी निकाला राष्ट्रहित और हिंदी की उन्नति के लिए उन्होंने कई संस्थाओं का प्रवर्तन किया हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान शीर्षक कविता को उन्होंने हिंदी वर्धनी सभा में 1877 में पढ़ा था इसी में उनका वह मशहूर दोहा है निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल भारतीय ने हिंदी गति पर विचार करते हुए अठारह सौ तिरासी चौरासी ईस्वी के लगभग हिंदी भाषा नाम की एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की थी उसमें उन्होंने भाषा के तीन विभाग किए थे लिखने की भाषा बोलने की भाषा और कविता की भाषा उन्होंने लिखने की भाषा की बारह शैलियों के उदाहरण दिए हैं लेकिन जिन दो शैलियों को उन्होंने उत्तम माना है वे हैं जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं और जो शुद्ध हिंदी है उनके द्वारा दिया गया शुद्ध हिंदी का उदाहरण देखिए पर मेरे प्रीतम अब तक घर न आए क्या उस देश में बरसात नहीं होती या किसी साउथ के फेर में पड़ गए कि इधर की सुध ही भूल गए कहाँ तो वह प्यार की बातें कहाँ एक संग ऐसा भूल जाना कि चिट्ठी भी न भिजवाना हाँ मैं कहाँ जाऊँ कैसी करूँ मेरी तो ऐसी कोई मुँह बोली सहेली नहीं कि उससे दुखड़ा रो सुनाऊँ कुछ इधर उधर की बातों ही से जी बहलाऊँ निस्संदेह भारतीय ने हिंदी गद्य को लालित्य से जोड़ा और प्रसंग के अनुसार अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया किंतु वे यह नहीं तय कर पाए कि संस्कृत के शब्दों वाली हिंदी अच्छी है या अरबी फारसी के शब्दों वाली उसी पुस्तिका में उन्होंने लिखा कि लिखने की भाषा में बड़ा झगड़ा है और कोई कहता है कि उर्दू शब्द मिलने चाहिए कोई कहता है कि संस्कृत शब्द होने चाहिए और अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लिखते हैं और इसके हेतु कोई भाषा अभी निश्चित नहीं हो सकती ये तो रहे भारतेंदु के भाषा संबंधी विचार अब हम उनकी हिंदी के बारे में विचार करेंगे सहूलियत के लिए हम इसका विश्लेषण कविता नाटक निबंध आदि उपशीर्षकों में बांटकर करेंगे कविता की भाषा उन्नीसवीं शताब्दी में जबकि खड़ी बोली हिंदी में व्यवस्थित रूप से गद्य लेखन हो रहा था कविता की भाषा अभी भी ब्रज भाषा बनी हुई थी डॉक्टर रामलाल शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग में लिखा है कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हो कि ब्रजभाषा का यह विवाद भारतेंदु की मृत्यु के बाद जोर पकड़ गया गद्य और पद्य में दो भाषाओं या बोलियों के प्रयोग की अस्वाभाविकता भारतेंदु को ही खटकने लगी थी उन्होंने स्वयं खड़ी बोली में प्रयोग के रूप में कुछ कविता लिखी थी और उसे भारत मित्र में प्रकाशित कराया था उन्होंने उसके साथ एक पत्र भी छपवाया था और पाठकों से राय मांगी थी कि अगर इसमें कोई कसर हो तो बताइएगा रामविलास शर्मा ने पुनः लिखा है हरिश्चंद का यह मत नहीं था कि खड़ी बोली में कविता नहीं हो सकती सबसे पहले उन्होंने ही इस बात का अनुभव किया था कि गद्य और पद्य की भाषाओं का भिन्न होना अहंकार का विषय नहीं है जितना लज्जा और उपहास का भारतेंदु की ये कविताएं और पत्र सितंबर 1881 में छपे थे जबकि बकौल डॉक्टर रामचंद्र तिवारी भारतेंदु ने हिंदी भाषा नामक पुस्तिका अठारह सौ ईस्वी के लगभग प्रकाशित की थी उसमें उन्होंने नई भाषा की कविता शीर्षक से एक दोहा दिया है भजन करो श्री कृष्ण का मिलकर के सब लोग सिद्ध होएगा काम और छूटेगा सब सोग इस दोहे के बाद टिप्पणी दी गई है अब देखिए यह कैसी भोंडी कविता है मैंने इसका कारण सोचा कि खड़ी बोली में कविता मीठी नहीं बनती तो मुझको सबसे बड़ा कारण यह जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दीर्घ मात्रा होती है इससे कविता अच्छी नहीं बनती इसलिए उन्होंने ज्यादातर कविताएँ ब्रजभाषा में ही लिखीं सूर तुलसी मीरा रसखान आदि से प्रभावित होने के बावजूद उनकी ब्रजभाषा में नवीनता है खुसरों के बाद उन्होंने पहली बार नए संदर्भों में मुकरियों का प्रयोग किया जैसे सब गुरुजन को बुरो बतावे अपनी खिचड़ी अलग पकावे भीतर तत्व झूठी तेजी क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी नाटक की भाषा जिस समय भारत में पारसी थिएटर की धूम थी उस समय भारतेंदु ने न केवल हिंदी रंगमंच का विकास किया अपितु सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नाटकों की रचना भी की अंधेर नगरी भारत दुर्दशा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती विशस्य विषम आदि उनके प्रसिद्ध नाटक हैं भारतेंदु ने अपने नाटकों में खड़ी बोली का प्रयोग किया है जिसमें तद्भव और देश शब्दों तथा मुहावरों की भरमार है भारतेंदु ने अंधेर नगरी में हल्की फुल्की चलती भाषा का प्रयोग किया है जबकि सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी में संस्कृत निष्ठ हिंदी का अपने नाटकों में उन्होंने पात्रानुकूल भाषा का इस्तेमाल किया है भारत जननी से संस्कृत निष्ठ हिंदी का एक उदाहरण देखिए भारत माता तुम लोग अब एक बेर जगत विख्याता ललना कुलकमल कलिका प्रकाशिका राज निचय पूजित पाद पीठा सरल हृदया आर्द्र चित्ता प्रजा रंजन कारिणी महारानी विक्टोरिया के चरण कमलों में अपने इस दुख का निवेदन करो नील देवी से अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का एक संवाद देखिए अमीर अल्हम्दुलिल्लाह इस कमबख्त काफिर को तो किसी तरह गिरफ्तार किया अब बाकी फौज ही फतह हो जाएगी और एक संवाद प्रेम जोगनी से यह संवाद खांटी बनारसी चरित्र का है झंझटिया आज अभी कोई दर्शनी पर्सनी नहीं आए और कहाँ तक अभि तक मिसरो नहीं आए अभिन्हीं तक नींद न खुली हुई है खुले कहाँ से आधी रात तक बाबू की यहाँ बैठ के ही ही ठी ठी करा चाहे फिर सवेरे नींद कैसे खुले भारत ने भी अनेक स्थानों पर एक ही जगह अय का प्रयोग किया है जैसे देखें सुने करें खेलें बातें तुम्हें कहेंगे पिलामेंगे, आवय आदि उन्होंने द्वित्व वर्णों का भी प्रयोग किया है जैसे धर्म पूर्वज भैयाजी आदि उन्होंने क्लैव्य पिपा कुल कारुण्य विचक्षण आनुपूर्वी उच्छिष्ट विद्यानुरागिता क्षत्रियाधम आदि संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है उनके नाटकों में गाल बजाना खैर खाही दिखाना हाथ पकड़ना घर छूटना जैसे मुहावरे और दोई तो मस्त हैं या हाल मस्त या चाल मस्त अंधेर नगरी चौपट राजा रोजगार में सूद और दिल लगी में गपशप अच्छी आदि कहावतों का सुंदर प्रयोग हुआ है अंधेर नगरी की भाषा तो व्यंग्य विनोद से परिपूर्ण है ही निबंध की भाषा नाटकों की तरह भारतेंदु के निबंधों की भाषा भी रंजक और प्रवाहपूर्ण है शुक्ल जी ने लिखा है कि भारतेंदु ने दो तरह की शैलियों का इस्तेमाल किया है भावावेश की शैली और तथ्य निरूपण की शैली भावावेश के कथनों में वाक्य बहुत छोटे छोटे और पदावली सरल बोलचाल की होती है भारतेंदु ने अरबी फारसी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग उदारतापूर्वक किया है जैसे म्यूनिसपैलिटी हाईकोर्ट कलेक्टर पुलिस जज गवर्नर लॉर्ड वायसराय स्टेशन पोस्टमैन रेल एडिटर प्रेस आदि भारती के निबंधों की भाषा मुहावरेदार होने के कारण व्यंजक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध से एक उदाहरण देखिए हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े मासूल की इस ट्रेन में लगी हैं पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते इनसे इतना कह दीजिए का, का चुपसाद रहा बलवाना फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आ जाता है भारतेंदु की इसी तरह की भाषा को लक्ष्य करके उसे हसमुख गद्य कहा गया था भारतेंदु ने रसा उपनाम से गज़लें भी लिखी थीं उन्होंने क़ुरान का हिंदी कुरान शरीफ नाम से तर्जुमा भी किया था यानी उनका संस्कृत हिंदी अंग्रेज़ी और उर्दू पर समान अधिकार था उन्होंने कुछ लेख उर्दू में किंतु देवनागरी लिपि में भी लिखे थे खुशी शीर्षक उनके लेख का एक अंश देखिए हसब दिलख्वा आसूदगी को खुशी कहते हैं यानी जो हमारे दिल की ख्वाहिश हो वह कोशिश करने से या इतिफाकिया बगैर कोशिश किए बर आवे तो हमको खुशी हासिल होती है आत्मकथा और पत्रकारिता की भाषा भारतेंदु की अधूरी आत्मकथा एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती की भाषा ललित और चित्रात्मक है प्रेमघन के अनुसार भारतेंदु राजा साहिब को अपना गुरु मानते थे और बाबू हरिश्चंद्र आरंभ में उन्हीं के अनुकर्ता हुए यानी भारतेंदु ने सितारे हिंद की भाषा के आधार पर अपनी भाषा को हसमुख बनाया विजय शंकर मल्ल ने राजा शिव प्रसाद के गद्य और भारतेंदु की आत्मकथा के गद्य का अंतर बताते हुए लिखा है एक का गद्य नीरस है तो दूसरे का हसमुख एक का गद्य शुष्क है तो दूसरे के गद्य में चापलूसों से घिरे युवा लेखक की फड़कती शैली में जिंदगी की छाप लेकिन सितारे हिंद के राजा भोज का सपना शीर्षक कहानी की भाषा को देखते हुए यह आरोप निराधार लगता है क्योंकि उसमें भी लालित्य है रस है मिठास है भारतेंदु हिंदू तो पत्रकार भी थे उन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन प्रकाशन किया था इनके द्वारा उन्होंने जातीय चेतना विकसित करने का काम किया यह सर्वविदित है कि भारतेंदु ने हिंदी का संस्कार परिष्कार किया अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी में कालचक्र तैयार करते समय उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि हिंदी में अपेक्षित सुधार हो गया है भारतेंदु की नज़र में हरिश्चंद्र मैगजीन की परिष्कृत हिंदी एक घटना थी जाहिर है कि इससे पहले कवि वचन सुधा और हरिश्चंद मैगजीन की हिंदी बहुत व्यवस्थित नहीं थी शब्द प्रयोग से लेकर व्याकरणिक संरचना तक सदोष थे कवि वचन सुधा में प्रकाशित भारतेंदु की टिप्पणियों में कौशल्य मौलवान मट्टी धोखा पिंसिल सौगंध दुर्भिक्षिता फ्रांसीस यानी फ्रांस जैसे प्रयोग मिलते हैं लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है उसमें साफ सुथरी और ललित भाषा कम नहीं है एक उदाहरण देखिए जब अंग्रेज विलायत से आते हैं प्राय कैसे दरिद्र होते हैं और जब हिंदुस्तान से अपनी विलायत जाते हैं तब कुबेर बन जाते हैं इससे सिद्ध हुआ कि रोग और दुष्काल इन दोनों के मुख्य कारण अंग्रेजी हैं कविवचन सुधा 18 मई अठारह कविवचन सुधा में प्रकाशित सच मत बोल शीर्षक टिप्पणी से एक और उदाहरण देखिए अखबार वाले इतना भूखते हैं कोई नहीं सुनता अंधेर नगरी है व्यर्थ न्याय और आज़ादी देने का दावा है सब स्वार्थ साधते साधते हो कहोगे गवर्नमेंट के लोग तुमसे भला न मानेंगे सारांशिया की सच्ची बातें जिनसे कहोगे वे तुम्हें शत्रु जानेंगे 31 अगस्त अठारह इन उदाहरणों से स्पष्ट पता चलता है कि इनकी भाषा सीधी सरल ललित और भावाभिव्यंजक है दूसरे उदाहरण में व्याकरणिक चिन्हों की कमी जरूर खटकती है लेकिन उस दौर की भाषा में ऐसी असंगतियों का होना स्वाभाविक है भारतेंदु के यात्रा वृत्तांतों की भाषा में भी गंभीरता और लालित्य है वैद्यनाथ की यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत की भाषा ललित और चित्रात्मक है एक उदाहरण देखिए दो बजे दिन के पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए चारों ओर हरी हरी घास का फर्श ऊपर रंग रंग के बादल गड्ढों में पानी भरा हुआ सब कुछ सुंदर साँझ को बक्सर के आगे बड़ा भारी मैदान पर सब्ज काशानी मखमल से मढ़ा हुआ साँझ होने से बादल के छोटे छोटे टुकड़े लाल पीले नीले बड़े सुहाने मालूम पड़ते थे सारांश 19वीं शताब्दी खड़ी बोली हिंदी के विकास की शताब्दी थी उस समय खड़ी बोली हिंदी के अनेक रूप थे उस अनेक रूपात्मक हिंदी के बीच से एक स्वस्थ और सहज हिंदी का विकास उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी भारतेंदु ने भाषाई अतिवादों से बचते हुए खड़ी बोली हिंदी का एक ललित किंतु व्यंजक रूप प्रस्तुत किया उनके नाटकों निबंधों और दूसरी विधाओं की रचनाओं में हसमुख हिंदी का प्रयोग हुआ है प्रसंगानुसार उन्होंने संस्कृत अरबी फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है आज हमने जिन बिंदुओं पर विचार किया वे हैं खड़ी बोली हिंदी का विकास भारतेंदु युगीन हिंदी का स्वरूप भारतेंदु की हिंदी कविता की भाषा नाटक की भाषा निबंध की भाषा आत्मकथा और पत्रकारिता की भाषा अब हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं आपके प्रश्न और सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं नमस्कार